भाजपा नहीं छोड़ना चाहती है एक भी विधानसभा। धनबाद में हलचल सा मच गया है, दो जगह शिवराज सिंह चौहान, एक जगह सिंदरी, दूसरा जगह आपका राजगंज, और इस बीच में आ गए अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री साहब, जिन्होंने झरिया में आकर के जीएल गोड़ा स्टेडियम में विजय संकल्प सभा में शिरकत किया और गर्जना शुरू किया। झरिया में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा, कहा राहुल बाबा की चौथी पीढ़ी भी धारा 370 नहीं लगा सकेगी। सवाल उठता है कि धारा 370 राहुल बाबा क्यों लगाना चाहते हैं? इससे देश का किस रूप में भला हो रहा था? अलग कानून, अलग देश, टुकड़े टुकड़े भारत तेरे होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह शायद। आइए देखते हैं कि धनबाद झरिया विधानसभा के जेलगोड़ा स्टेडियम में विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। उन्होंने झरिया की जनता भाजपा प्रत्याशी रागनी सिंह को वोट देने की अपील की, साथ ही झारखंड में विजय की सरकार बनाने के लिए, बीजेपी की सरकार बनाने के लिए अपने अपने बूथों पर पहुंचकर वोट देने की अपील की। मंच से अमित शाह ने पंडित मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और उनको नमन किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि देश को ऊर्जा देने वाली झरिया और धनबाद की इस पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। झरिया वासियों से उन्होंने कहा कि आने वाली 20 तारीख को सभी अपने बूथ पर पहुँचे और झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाए। झरिया का एक एक वोट झारखंड का भविष्य तय करेगा। आपका वोट तय करेगा कि जेएमएम को करोड़पति बनाना है या माता बहन को लखपति। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या एक साथ कभी एक साथ 350 करोड़ रुपए आपने देखा है? कांग्रेस के मंत्री कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम के पास 35 करोड़ और कांग्रेस संसद के पास 350 करोड़ रुपए मिले। इन नोटों को गिनने में नोट गिनने वाली मशीन गर्म हो गई, लेकिन नोट खत्म नहीं हुआ। यह 350 करोड़ और 33 करोड़ आखिर किसका है? यहाँ के आदिवासियों का, युवाओं का, महिलाओं का? यह रुपया है जो मंत्री जी अपने खेमे में रखा है। जेएमएम और कांग्रेस ने लूट खसोट किया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि आप लोग कमल फूल की सरकार बनाइए, हम इन्हें उल्टा कर सीधा कर देंगे। आदिवासी और गरीबों का लूटा गया पैसा सूद समेत वापस करेंगे। मोदी की गारंटी पत्थर की लकीर है, एक एक गारंटी पूरी होगी। गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए अकाउंट में जाएगी। 500 से ज्यादा गैस सिलेंडर, 1500 से ज्यादा गैस सिलेंडर के नहीं लगेंगे। 500 से ज्यादा गैस सिलेंडर के दाम नहीं लगेंगे। दीपावली और रक्षाबंधन में एक एक गैस सिलेंडर फ्री में मिलेगी। हेमंत ने बेकारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन युवाओं को नहीं मिला। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन पॉल झरिया धनबाद से। क्या करना है उसका एक हमने संकल्प पत्र बनाया। आप मुझे बताओ, ए राहुल बाबा खटाखट खटाफट खटाखट फटाखट घोषणाएं करते हैं, पूरी होगी क्या? जोर से बोलो पूरी होगी। अब झरिया धनबाद वालों, आप बिना बोल रहे हो और राहुल बाबा के अध्यक्ष खड़गे जी भी ना बोल रहे हैं कि ये कुछ पूरा नहीं। मगर मैं आज कहने आया हूं, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, मोदी गारंटी पत्थर पर लकीर होती है, एक गारंटी को पूरा करने का काम हम करेंगे। हमने कहा है कि गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया, जोर से ताली बजाना बहनों, 2100 रुपया आपके बैंक अकाउंट में हर महीना जमा हो। देश में कितना भी
गैस के सिलेंडर का भाव हो आपके यहाँ 500 रुपये से ज्यादा दाम गैस सिलेंडर का आपको नहीं चुकाना। और हर दिवाली और रक्षाबंधन को दो गैस के सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों, हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि हम युवाओं को बेकारी भत्ता देंगे। युवाओं बताओ, आपको बेकारी भत्ता मिला है क्या? जोर से बोलो, मिला है। मैं बताकर जाता हूं, भाजपा सरकार ला दो, हमारी दीदी को छिटा कर ला दो, आपको हर महीना 2000 रुपये का चेक मिलेगा। 2000 भाजपा सरकार थी तब यहाँ पर 50 लाख की संपत्ति खरीदने पर बहनों को स्टैंप ड्यूटी सिर्फ 1 रुपया देनी पड़ती थी। इन्होंने बंद कर दी। मैं आज कहकर जाता हूँ कि हम स्टैंप ड्यूटी को फिर से लागू करने का काम करेंगे। 1 रुपया स्टैंप ड्यूटी योजना फिर से लागू होगी। किसानों का धान 3100 रुपया क्विंटल खरीदा जाएगा और रूप दिव्यांग और विधवा के पेंशन में 2500 रुपये तक की वृद्धि करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुझे धनबाद जरिया वालों बताओ जरा, आप लोग झारखंड में घुसपैठिए आए, इसमें सहमत हो क्या? अरे जोर से बोलो, सहमत हो क्या? ये हेमंत बाबू घुसपैठिए को लाल जाजम बिछाकर बुलाते हैं। आपकी युवाओं रोजी रोजी नौकरी एक घुसपैठिए ले जा रहे हैं। हमारी आदिवासी बहनों से दूसरी तीसरी चौथी शादी कर उनकी जमीन कब्जा रहे हैं। मैं आज धनबाद वालों कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भाजपा। इतना ही नहीं, कोई नया घुसपैठिया झारखंड में ना आ पाए इसकी भी चिंता हम करेंगे। मुझे बताओ झारखंड वालों, एक बात मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने 75 साल तक राम मंदिर को रोक कर रखा, टोक कर रखा, लटका कर। मोदी जी ने 5 ही साल में पूरे राम मंदिर बनाने का काम और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।